गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में दो पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को दो रोटी दी जाती है, कुत्ता को दो रोटी दी जाती है, दो पूड़ी रख के देते हो, देते आप लोग तो देते हो, दो पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, दो पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते, दो पूड़ी का प्रमाण कहाँ से आया? दो भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहाँ से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा दो पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है, महाराज पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में दो भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है, दो भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि दो पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही है। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा, पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी क्या जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुम रुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता।